बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुलिल्मुतफ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ाक़तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून अल्लज़ीना इज़ाक़तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून वाइज़ाक़ालूहुम अव वज़नूहुम युक्सिरून वाइज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युक्सिरून अला यज़ुन्नु उलाइक अन्नहुम मबूसून अला यज़ुन्नु उलाइक अन्नहुम मबूसून लियौमिन अज़ीम यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन किताबम मरकूम वैलुन यौमइज़िन लिल्मुकज़्ज़िबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। वैलुन लिल्मुतफ़िफ़ीन बड़ी खराबी है, वैल का मतलब खराबी है, वैलुन लिल्मुतफ़िफ़ीन बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। मुतफ़िफ़ीन जो नाप तोल में कमी करते हैं, वैलुन लिल्मुतफ़िफ़ीन बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ाक़तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। वाइज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युक्सिरून और जब इन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून क्या उन्हें अपने मरने के बाद जी उठने का ख्याल नहीं है। नहीं अला यज़ुन्नु क्या उन्हें ख्याल नहीं है उलाइका अन्नहुम मबऊसून के वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग जो नाप तौल में कमी करते हैं क्या उन्हें अपने मरने के बाद जी उठने का ख्याल नहीं है। लियौमिन अज़ीम उस अज़ीम दिन के लिए यानी क़यामत के लिए बड़ा अज़ीम दिन होगा, क्या उस दिन इन्हें ख्याल नहीं है कि उस दिन वो दोबारा जी कर उठेंगे। यौम यकून नासु लिरब्बिल आलमीन जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। यौम यकून नासु लिरब्बिल आलमीन यानी वो बड़ा अजीम दिन होगा जिसमें सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाता है कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन यकीनन बदकारों का नामा माल सिज्जीन में से है। कल्ला यकीनन इन्ना किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन यकीनन बदकारों का नामा माल सिज्जीन में है। यकीनन बदकारों का नामा माल सिज्जीन में है वमा अदराका मा सिज्जीन और तुझे क्या मालूम सिज्जीन क्या है। वमा अदराका मा सिज्जीन और तुझे क्या मालूम सिज्जीन क्या है। किताब मरकूम ये तो लिखी हुई किताब है यानी ये किताब में ये बदकारों के सारे कारनामे उसमें लिखे जा चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि इस किताब में जो जो बुरे अमाल करता है, जो जो बदकारी करता है वो सारा इस किताब में लिखा जाता है। किताब मरकूम ये तो लिखी हुई किताब है। वैलुन यौमइज़िल मुकज़्ज़िबीन उस दिन जुटलाने वालों की बड़ी खराबी होगी यानी उस दिन में जुटलाने वालों की बड़ी खराबी है। वैलुन यौमइज़िल मुकज़्ज़िबीन उस दिन जुटलाने वालों की बड़ी खराबी है। सूरह मुतफ़िफ़ीन मक्की है और इसमें 36 आयतें हैं। बाज़ इसे मक्की और बाज़ इसे मदनी करार देते हैं क्योंकि बाज़ के नज़दीक मक्के और मदीने के दरमियान नाजुल हुई। इसकी शान नज़ुल ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना नाप तोल के लिहाज से खबीस तरीन लोग थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने यह सूरह नाज़िल फरमाई जिसके बाद उन्होंने अपनी नाप तोल की सही कर ली। तो इसमें अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया कि उनके लेने और देने के पैमाने अलग अलग थे और इस तरह डंडी मारकर नाप तोल में कमी करना बहुत बड़ी अखलाकी बीमारी है जिसका नतीजा दीन व आखरत में तबाही है। एक और हदीस में है
कि जो कौम नापतोल में कमी करती है तो उस पर कहत साली सख्त मेहनत और हुक्मरानों का जुल्म मुसलत कर दिया जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ये डंडी मारने वाले इस बात से नहीं डरते कि एक बड़ा हौलनाक दिन आने वाला है जिसमें सब लोग रब के सामने, रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, जो तमाम पोशीदा बातों को जानता है। मतलब ये है कि ये काम वही लोग करते हैं जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ और क़यामत का डर नहीं है। हदीस में आता है कि जिस वक्त रब्बुल आलमीन के लिए खड़े होंगे, यानी रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, तो पसीना इंसानों के आधे आधे कानों तक पहुंचा होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। एक और रवायत में है कि क़यामत वाले दिन सूरज मखलूक के इतना करीब होगा, एक मील की मकदार के करीब फासला होगा। हदीस के रावी हजरत सलीम बिन आमर कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मील से ज़मीन की मुसाफत वाला मील मुराद लिया है या वो सिलाई है जिससे सुरमा आंखों में डाला जाता है। पस लोग अपने अमाल के मुताबिक पसीने में होंगे, यानी जिसके ज़्यादा बुरे अमाल होंगे उसका ज़्यादा पसीना होगा और जिसके कम होंगे उसका थोड़ा पसीना। ये पसीना किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की कमर तक होगा और किसी के लिए ये लगाम बना हुआ यानी मुंह तक, यानी उसके मुंह तक पसीना होगा। सिजीन का मतलब कैद खाना है। मतलब यह है कि कैद खाने की तरह एक नहायत तंग मुकाम है। और बाद लोग कहते हैं कि ज़मीन के सबसे निचले हिस्से में एक जगह है जहाँ काफरों, जालिमों और मुशरिकीन की रूहें और उनके अमालनामे जमा महफूज होते हैं। इसीलिए आगे इसे लिखी हुई किताब करार दिया है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुलिल्मुतफ़िफ़ीन। वैलुलिल्मुतफ़िफ़ीन। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून। वाइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम वाइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून। वाइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। लियौमिन अज़ीम। यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। कल्ला इन्ना किताब अल फुज्जारी लफी सिज्जीन। कल्ला इन्ना किताब अल फुज्जारी लफी सिज्जीन। वमा अदरा कमा सिज्जीन। किताब मरकूम। वैलुन यौम जिल्लिल मुकज्जिबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। वैलुलिल मुतफ़िफ़ीन। बड़ी ख़राबी है। वैल का मतलब ख़राबी है। वैलुलिल मुतफ़िफ़ीन। बड़ी ख़राबी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। मुतफ़िफ़ीन जो नाप तोल में कमी करते हैं। वैलुलिल मुतफ़िफ़ीन। बड़ी ख़राबी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून। कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। वाइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून। और जब इन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। क्या उन्हें अपने मरने के बाद जी उठने का ख्याल नहीं है। नहीं, अला यज़ुन्नु, क्या उन्हें ख्याल नहीं है उलाइका अन्नहुम मबऊसून के वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग जो नाप तौल में कमी करते हैं, क्या उन्हें अपने मरने के बाद जी उठने का ख्याल नहीं है। लियौम अज़ीम, उस अज़ीम दिन के लिए यानी क़यामत के लिए बड़ा अज़ीम दिन होगा, क्या उस दिन इन्हें ख्याल नहीं है कि उस दिन वो दोबारा जी कर उठेंगे। यौम यकून नासु लिरब्बिल आलमीन। जिस दिन सब लोग रब्बिल आलमीन के सामने खड़े होंगे। यौम यकून नासु लिरब्बिल आलमीन, यानी वो बड़ा अज़ीम दिन होगा जिसमें सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाता है कल्ला इन्ना किताब अल फुज्जारी लफी सिज्जीन। यकीनन बदकारों का नामा माल सिज्जीन में से है। कल्ला यकीनन इन्ना किताब अल फुज्जारी लफी सिज्जीन।
यकीनन बदकारों का नामा अमाल सिज्जीन में है, यकीनन बदकारों का नामा अमाल सिज्जीन में है। वमा अदराका मा सिज्जीन, और तुझे क्या मालूम सिज्जीन क्या है। वमा अदराका मा सिज्जीन, और तुझे क्या मालूम सिज्जीन क्या है। किताब मरकूम, ये तो लिखी हुई किताब है, यानी ये किताब में ये बदकारों के जो सारे कारनामे उसमें लिखे जा चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि इस किताब में जो जो बुरे अमाल करता है, जो जो बदकारी करता है, वो सारा इस किताब में लिखा जाता है। किताब मरकूम, ये तो लिखी हुई किताब है। वैलु यौम ज़िल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन जुटलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी, यानी उस दिन में जुटलाने वालों की बड़ी ख़राबी है। वैलु यौम ज़िल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन जुटलाने वालों की बड़ी ख़राबी है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छी बात, शेयर करना सदका जारिया है, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।